हे भगवान, ये क्या रात हो गया और हमारे बीच नहीं है। हे भगवान, ये अनहोनी नहीं हो सकती। ये क्या बकवास कर रही है आप? झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ है सर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माता जी, कुछ नहीं हुआ, बोलिए ना माता जी, बोलिए कुछ तो बोलिए माता जी। आप जानती हैं ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। माता रानी ऐसा अनर्थ नहीं होने दे सकती। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी माँ सबको छोड़कर नहीं जा सकती। आपसे नहीं बोलिए रात में, बोलिए माता जी, झूठे भी नहीं मिलेगी माता जी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। माता रानी हमारे साथ ऐसा करती, मेरा दिल नहीं मानता। आपके माने या ना माने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी माता जी। इनके दिए की आपको कभी बुझने नहीं दिया, जो खुद इन्हें भोग लगाने से पहले अन्न का एक दाना भी नहीं खाती थी, जो सर पर मुसीबतों और दुखों का पहाड़ धोती रही लेकिन इनके आगे सर झुकाना नहीं भूलती थी, उस माँ को आप किस माता रानी ने हमसे छीन लिया माता जी, और आज मैं इनके अस्तित्व हमेशा हमारे लिए मिटा दूंगी। सिमर मिली? सिमर कुछ मिला? सजने का, हाँ माता जी थोड़ी देर शांत रहिए, हमने माँ के खो जाने का रिपोर्ट लगवाई थी इसलिए आए हैं। उसका क्या इंश्योरेंस साहब, कुछ खबर मिली? आपके इंश्योरेंस के मुताबिक हम मंदिर के आसपास तलाश किए लेकिन वहाँ के लोगों ने वहाँ के लाश देखे थे वहाँ पे। लाश? हाँ, लेकिन जब तक हम वहाँ पे पहुँचे वहाँ का हालत देख रहे ऐसा लग रहा है कि कोई जंगली जानवर उसे ले गया होगा वहाँ से। लेकिन इंस्पेक्टर, सामान मिला है मुझे वहाँ से, दे दो आप तो। मंगलसूत्र पापा प्लीज संभालिए खुद को। ये कैसा ना हो गया सिमर? सिमर हमारे पीछे नहीं रही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, झूठ बोल रहे आप, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। माता जी अब बोलिए ना माता जी, ऐसा नहीं हो सकता, बताइए ना माता जी। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, वो ऐसा नहीं कर सकती। माता जी तुम सही कह रहे हो बेटा, तुम सच कह रहे हो। माता रानी सिमर को हमसे कभी दूर नहीं कर सकती। मेरी सिमर कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने कहा ना जंगल में खो गए थे, चलो हम लोग सब ढूंढते हैं, चलो। हाथ पकड़ा
अब माँ हमें कभी नहीं मिलेगी माता जी। नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, आपके माने ना माने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। माता जी बोल होश में है माता जी, आगे खोलो सच्चाई को देखिए, क्योंकि सच तो यह है कि माता रानी ने हमसे हमारी माँ को छीन दिया है। उस माँ को हमसे दूर कर दिया जो खुद जलती रही लेकिन दिए को आग कभी बुझने नहीं दिया, जो सर पर मुसीबतों के दुखों का पहाड़ धोती रही लेकिन इनके आगे सर झुकाना नहीं भूलती थी, उस माँ को आपकी इस माता रानी ने हमसे छीन लिया माता जी। संजना ये तुम क्या बोल रही हो? और आज मैं इनके अस्तित्व को मिटा दूंगा। संजना दी एक्शन। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरी माँ मुझे कभी छोड़कर नहीं जाती। माता जी बोलिए ना माता जी, ऐसा नहीं हो सकता, अभी बताइए ना। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं छोड़कर जा सकती। माता रानी हमारे साथ ऐसा अनर्थ नहीं कर सकती रिया। अब हमें माँ कभी नहीं मिलेगी माता जी। दीपक बुझ, सिमर गायब हो गई। सिमर सिमर माँ, हम एक्चुअली हम लोग मंदिर गए थे और जब हम मंदिर में थे तो एकदम से अचानक से सिमर माँ गायब हो जाती है। हम उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर जाते लेकिन कहीं नहीं मिलती। फिर हम उनको उनके बिना ही घर आ जाते हैं और हमें घर आकर पता चलता है कि घर में भी वो नहीं है। तो पुलिस आती है और वो कहती है कि सिमर माँ को कुछ हो गया है, आई थिंक वो कोई जानवर ने किसी जानवर ने उनको मार दिया और वो उनका मंगलसूत्र लेकर आते हैं पुलिस वाले। और ऑब्वियसली हम लोग सब पागल हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। मैं माता रानी से बहुत गुस्सा होती हूँ कि आपने मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे किया। आई मीन वो हमेशा आपको कितना प्रे करती थी, यू नो, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो
संजना इज लूजिंग इट राइट नाउ. बेसिकली नवरात्रे चल रहे हैं और संजना कहती है कि नवरात्रों में मतलब हम लोग इतनी पूजा करते हैं माता रानी की, और माता रानी ऐसे कैसे कर सकते हैं सिमर माँ के साथ, तो इसलिए ये सब लोग रो रहे हैं, मैं संजना को संभाल रहा हूँ, तो ये सब चल रहा है अभी. इस सब चीज़ में माता जी भी काफ़ी मतलब दुख मतलब वो कर रही है, और आपने भी अपना वो सब माता रानी के ऊपर से अपना बिलीव खो रहे हैं. हाँ, क्योंकि माँ हमेशा, उन्हें लगता था कि माता रानी हमेशा उनके साथ है, लेकिन हम माता रानी की पूजा करने गए थे और ये हुआ, तो इसलिए बिलीफ उड़ गया. आई एम श्योर कि माता रानी अभी भी हमारे साथ है और वो हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं करेंगी और आगे भी सब अच्छा ही होगा. आई एम श्योर संजना को पता चल जाएगा और आई मीन उसे समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा. इट्स हिट अ वेरी हार्ड. दादी जी को समझाना काफ़ी मतलब थोड़ा मुश्किल हो रहा था, वो यकीन नहीं कर पा. किसे? माता जी. हाँ, माता जी ऑब्वियसली, क्योंकि उसे कभी नहीं लगता कि सिमर को कुछ हो सकता है, क्योंकि माता रानी पे इतना विश्वास है, तो इसलिए वो उस शी कांट बिलीव इट, शी कांट, शी इज इन शॉक राइट नाउ. नवरात्रि शुरू हो रही है, तो क्या कुछ फंस के लिए विशेस करना चाहिए? हैव फन प्लेइंग गरबा गाइस, हैप्पी नवरात्रि. हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन. या ऑब्वियसली उनकी माँ, खबर आई है कि उनकी माँ मर गई है, तो दैट्स व्हाई ही इज व्हाई यू लाफिंग. व्हाई यू लाफिंग? सिमर मर गई और ये हंस रही है उनकी बेटी देखो. अरे आई एम नॉट, आई एम नॉट. कट 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 कट. आज हम लोग नवरात्रि जब शुरू हो रही है तो हम लोग माता रानी की पूजा के लिए जाते हैं टेंपल में, और वहाँ पर जो माँ है वो गायब हो जाती है. वो कुछ एक पानी यू नो कलश लेकर जाती हैं बाहर पानी चढ़ाने के लिए, एंड वो गायब हो जाती है. हम उन्हें ढूंढते हैं लेकिन हमें मिलती नहीं है, और हम लोग ऑब्वियसली इतनी बारिश हो रही है बाहर सब हो रहा है, तो हम लोग घर आ जाते हैं, एंड घर आके हमें लगता है कि पुलिस वाले शायद ढूंढ लेंगे, तो हम रिपोर्ट लिखवा देते हैं एंड वी कम बैक, एंड फाइनली पुलिस आती है और हमें बताती है कि अब वो नहीं रही है और उनका मंगलसूत्र मिला है, लेकिन अभी भी हम डिनायल में हैं. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पीयूष की अभी माँ वापस आ जाएंगी, अभी कुछ नहीं हुआ है, ये शायद कोई गलत फहमी हो गई है, बट आई थिंक बाकी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है. इवन संजना दी थोड़ा सा बौखला जाती है एंड स्टार्ट्स थ्रोइंग थिंग्स अवे और मंदिर में जाके तोड़फोड़ करने लगती हैं, क्योंकि वो ब्लेम कर रही हैं, उनको लग रहा है कि माता रानी की वजह से ये सब हो गया. सो या आई थिंक वो हाँ, हमें माता रानी पे पूरा यकीन है. माता रानी ने हमेशा हमारा साथ दिया है, सिमर का भी साथ दिया है, और हमें हमेशा ऐसी चीज़ों से बचाया है, तो ये यकीन है कि कहीं ना कहीं से माता रानी की दृष्टि हम पे बनेगी और वापस से माँ घर पे आ जाएंगी, पर अभी के लिए हमें यही लग रहा है कि शायद सिमर इज़ नो मोर. आपको